हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइज आज का वीडियो है इज इट वर्थ का एक नया एपिसोड, जहां पे हम अनबॉक्स करने वाले एप्पल के सीरीज 5 का क्लोन, जो आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज की प्राइस में। और गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज इसमें आपको देखने मिलता है सिमिलर फंक्शन एप्पल के सीरीज 5 जैसे ही। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इज इट वर्थ और इज इट नॉट। सो गाइज ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ बस उसकी एक एनिमेटेड इमेज आपको देखने मिलती है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आप कॉलिंग कर सकते हो और इसकी है बैटरी 380 mAh की। तो अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ आपको देखने मिलते हैं वो एक्चुअल सीरीज 5 का क्लोन, और यहाँ पे नीचे की तरफ बस आपको देखने मिलता है एक माइक्रो यूएसबी केबल इसे चार्ज करने के लिए। और गाइस अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिखती है। सो यहाँ पे वॉच के साइड में आपको देखने मिलता है एक पावर ऑन का बटन और एक माइक्रोफोन। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक स्पीकर, और यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है 1.54 इंच का स्क्वायर डिस्प्ले। और अभी हम यहाँ पे वॉच फेसेस इसके चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं जो सिमिलर है एप्पल के सीरीज 5 जैसे। सो यहाँ पे ये जो वॉच फेस है हम उसे सेट करते हैं, और अभी हम डायरेक्टली जाते हैं इसके मेन्यू में। तो यहाँ पे आपको कई सारे मेन्यूज देखने मिलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉप वॉच। तो आप देख सकते हो टिपिकल स्टॉप वॉच आपको देखने मिलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे की तरफ जो हार्ट रेट सेंसर है वो स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी इमिडिएटली यहाँ पे जो आपका हार्ट रेट है वो आ जाता है 72 बीट्स पर मिनट, जो काफ़ी नॉर्मल लगा मुझे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक टिपिकल एनिमेटेड एप्लीकेशन भी मिलता है हार्ट रेट के लिए, जो आपको एक प्रॉपर ग्राफ शो करता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिखता है, और यहाँ पे भी आपको जो हार्ट रेट है वो कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर होगा। फिर गाइज उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है पावर सेविंग मोड, और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलता है मैसेजिंग का एप्लीकेशन, जो आपके फ़ोन के साथ सिंक होगा, और आपके फ़ोन के जितने भी सारे SMS है वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप कॉलिंग भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको डायलिंग पैड भी देखने मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स देखने मिलते हैं, तो आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स इसके साथ सिंक हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्पोर्ट्स मोड, तो जैसे हम इसे टर्न ऑन करते हैं आप देख सकते हो जो स्पोर्ट्स मोड है वो टर्न ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस, कैलोरीज, कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग, टाइम, कितने कैलोरीज बर्न किए, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे कोई भी स्पेशल स्पोर्ट्स मोड आपको देखने नहीं मिलता, सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सारे अपने स्टेप्स लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, स्टेटस में इसके, हिस्ट्री में कि कौन से डे पे आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलता है एंटी लॉस्ट का ऑप्शन, तो एंटी लॉस्ट की हेल्प से आपका जो फ़ोन है आप उसे काफ़ी ईजिली ट्रैक कर सकते हो। प्लस गाइज उसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है अलार्म्स का फंक्शन, तो इसकी हेल्प से आप अलार्म्स वगैरह सेट कर सकते हो, और गाइज इसमें वाइब्रेशन फीडबैक के साथ आपको जो अलार्म की टोन है वो भी सुनाई देगी। और गाइज उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैलेंडर का ऑप्शंस, और गाइज और कई सारे मेन्यूज यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। फिर गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग का एप्लीकेशन, और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलता है मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन, तो आप देख सकते हो ये है स्मार्ट स्टाइल मेन्यू, और उसके बाद आपको देखने मिलेगा 4 ऐप्स मेन्यू का ऑप्शन, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। सो यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आप देख सकते हो साउंड, डिस्प्ले, हर एक चीज़ की सेटिंग आप कर सकते हो। सो यहाँ पे जो रिंगटोन है उसे भी आप काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हो, और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी डिसेंट है। फिर गाइज यहाँ पे हम जाते हैं नीचे की तरफ, आप देख सकते हो डिस्प्ले के ऑप्शन से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, अबाउट डिवाइस में आपको डिवाइस की पूरी इन्फो मिलेगी। सो गाइज ये है उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन फन डू प्रो, तो इसे हम यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन करते हैं,
और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जिसमें आपको देखने मिलता है आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए, आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, आपका स्लीप मॉनिटरिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, तो आप देख सकते हो जो वॉच है वो कनेक्ट हो चुका है। एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सो यहाँ पे जो कॉल नोटिफिकेशन है उसे हम टर्न ऑन करते हैं और बाकी एप्लीकेशंस की भी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है रिमोट शटर, ब्लूटूथ कॉल, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आपका जो डिवाइस है अगर कहाँ पे खो जाता है तो आप फाइंड कर सकते हो, यूनिट सेटिंग्स, यूज़र गाइड और कई सारे और ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम करते हैं इसमें कॉलिंग टेस्ट और आप देख सकते हो काफ़ी इमीडिएटली कॉल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है और आप यहाँ से ही कॉल को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, प्लस अगर आपको बात करनी है तो वो भी आप इस स्मार्ट वॉच की हेल्प से कर सकते हो। हेलो हेलो हेलो। और प्लस गाइज अगर आपको कॉल भी प्लेस करना है तो आप स्मार्ट वॉच से ही कॉल प्लेस कर सकते हो और काफ़ी इमीडिएटली यहाँ पे कॉल प्लेस हो जाता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस सीरीज 5 क्लोन का अनबॉक्सिंग, गाइस सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा इसकी बिल्ड क्वालिटी सिमिलर है एप्पल के सीरीज 5 वॉच जैसी, बस यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा बटन देखने नहीं मिलता है और साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो एसबी पोर्ट और एक स्पीकर। बट गाइस वो मतलब फर्स्ट लुक में आपको नजर नहीं आएगा, इतना बढ़िया इसका कॉपी किया उन्होंने और पीछे से भी जो हार्ट रेट सेंसर है वो भी सिमिलर कॉपी किया है सीरीज 5 जैसे। सो मैंने सीरीज 3 और सीरीज 5 का भी यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है, तो सीरीज 3 मतलब काफ़ी आउटडेटेड लगता है और ये काफ़ी ओरिजिनल लगता है। सो गाइज बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी सुपीरियर है। फिर हम बात करेंगे इसके वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कई सारे वॉच फेसेस जो सिमिलर है एप्पल के सीरीज 5 जैसे ही। और फिर अगर हम मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो आपको मेन्यू देखने मिलता है वो भी सिमिलर है एप्पल के सीरीज 5 वॉच जैसे ही। सो गाइस सारे फंक्शन सिमिलर है, प्लस इसमें आपको देखने मिलता है कॉलिंग का फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अलार्म्स है। सो अलार्म में वाइब्रेशन फीडबैक के साथ यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है मतलब जो रिंगटोन है अलार्म का वो भी आपको सुनाई देगा, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 380 mAh की बैटरी जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 days तक चल जाएगी, और अगर आप ब्लूटूथ से कंटिन्यूसली कनेक्टेड हो तो एक दिन आराम से आपको इसकी बैटरी लाइफ जाएगी। सो गाइज मेरे हिसाब से 1500 rupees की प्राइस के लिए बहुत ही बढ़िया और वर्थ ये वॉच है। और गाइज मेरे हिसाब से 1500 rupees की प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया ये एप्पल का क्लोन है, और अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।